हेलो डियर लर्नर्स, तो आज हम एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है लीलिएसी फैमिली। बच्चों आपको पता है नीड एस्पिरेंट्स के लिए फैमिली प्लांट्स एग्जांपल फैक्ट ये लर्न करना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है और लंबे समय में ये भूलते भी जाते हैं। तो लर्नर्स आज का हमारा टॉपिक है कि हम लीलिएसी फैमिली के एग्जाम्पल्स को कैसे क्विक ट्रिक से कितनी फनी ट्रिक से हम इसे लर्न कर सकते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल डायग्राम पे एक छोटा सा रिव्यू ले लेंगे हम। यहाँ पे फार्मूले से हम डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइनोशियम का 3 होना और फ्यूज होना ये दिखाता है 3 कार्पेल्स का रिप्रेजेंटेशन एंड फ्यूजन। यहाँ एंड्रोशियम आपको दिखाई दे रहा है 3+3, तो यहाँ पर आपको एंड्रोशियम मीन्स स्टेमेन 3 जो है वो आउटर मोस्ट वॉल से कनेक्टेड है और 3 जो है वो इनर वॉल से कनेक्टेड है। इसी तरह से पी स्टैंड फॉर पेरिएंथ, इट मींस सेपल एंड पेटल फ्यूज टुगेदर आर वी कैन से दैट वी कांट डिस्टिंक्ट बिटवीन सेपल एंड पेटल, सो इट इज अ पेरिएंथ आल्सो नोन एज टेपल्स। पेरिएंथ यहां दिखाई दे रहा हो आपको रेड के कलर में प्लस ब्लू के कलर में जो दोनों आपस में फ्यूज है। नेक्स्ट आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दिखाई भी दे रहा है हमें कि गाइनोशियम और स्टेमेन दोनों टुगेदर है एक ही फ्लावर में। और इसी तरह से प्लस जो है वो साइन सिंबल कर रहा है यहाँ पे रेडियल सिमेट्री को। आप किसी भी प्लेन से इसे कट करेंगे तो ये हमें इक्वल हाफ में डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो लर्नर्स अब हमारा वो सेक्शन आने वाला है जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं। यहां हम लीली फैमिली के सभी प्लांट्स के एग्जाम्पल एक ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सभी एग्जाम्पल सभी प्लांट के नाम बता देता हूं। पहले है लीली जो कि रिप्रेजेंट कर रही है लीलिएसी फैमिली को। नेक्स्ट है एस्पारेगस, रस्कस, ग्लोरियोसा, ट्यूलिप, ऑनियन, गार्लिक, कॉल्चिसिन, स्मिलेक्स और ऐसे भी बहुत सारे जैसे एलो, ये भी है एलोवेरा। तो अब हम इसके लिए सिंपल सी ट्रिक बनाते हैं। यहां पर सबसे पहले लीली, ग्लोरी, ऑनियन, गार्लिक, ट्यूलिप, रस्कस, स्मिलेक्स, तो लर्नर्स ट्रिक ये है कि लीली को एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना है, वहां पर जाने के लिए हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो यहां लीली जो हमारा प्लांट है उसको हमने एक हाइपोथेटिकल स्टोरी में डाल दिया ताकि अच्छे से हमें ये सभी एग्जांपल लर्न हो पाए। तो लीली की ग्लोरी बढ़ाने के लिए ब्यूटी बढ़ाने के लिए हमने उसको ऑनियन, गार्लिक, ट्यूलिप इन तीनों का रस कस के निकाला और इसको पिला दिया लीली को ताकि उसकी ग्लोरी बढ़ जाए। और अब हम उस लीली को एलोवेरा की क्रीम लगा रहे हैं और जिसके बाद लीली अब रेडी हो चुकी है। अब उसे भेज देंगे कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन जाके लीली ने स्माइल की। तो एक बार फिर से देखें इस ट्रिक को, लीली की ग्लोरी बढ़ाने के लिए ऑनियन, ट्यूलिप, गार्लिक का रस कस के निकाला और फिर लगाई एलोवेरा की क्रीम, लीली को भेज दिया कॉल्चिसिन, वहां पर जाके लीली ने स्माइल की। तो लर्नर्स देखा आपने कितना आसान था ट्रिक की मदद से सभी एग्जाम्पल को लर्न करना। लीली एसी की एक प्रोफाइल देख लेते हैं। लीली एसी क्लास मोनोकोटिलेडोनी के अंडर आता है। लीली एसी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं वो है एपीफाइलस कंडीशन का होना जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एपीफाइलस के आगे हम बढ़े तो लीली एसी एक ऐसी फैमिली है जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कैटेगरी में आती है। सजावट के फूलों के प्लांट्स मिलते हैं इसमें।
यहाँ कई सारे मेडिसिनल कॉस्मेटिक प्लांट्स भी आपको दिखाई देते हैं। माइटोटिक पॉइजन आपने सुना है सेल डिवीजन में, कॉल्चिकम ऑटमनील नाम का प्लांट है जिससे कॉल्चिसिन जो केमिकल है वो ऑब्टेन हो रहा है। तो लर्नर्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट और वेटेज वाले टॉपिक्स को सीखने के लिए आप हमसे जुड़िए इंदौर पल्स बाय अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट।